उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उसे बजट के जानकार और राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा बजट है इतिहास में। इतना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वारा या जिसकी सरकार रही हो कभी नहीं पेश किया गया। बजट में प्रदेश सरकार के प्रवक्ताओं की माने, उनके नेताओं की माने, तो सभी सेक्टरों में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जो बिल्कुल नया है और जिसकी उम्मीद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से और योगी आदित्यनाथ से प्रदेश की जनता लगाकर बैठी थी। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके परिवार का और जिनका राजनीति से पुराना नाता है, पेशे से इंजीनियर भी हैं, हमारे साथ तनवीर जी हैं। तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो बजट पेश किया गया सरकार के द्वारा, जी ये बजट आपने भी देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, किस तरह का बजट है अगर कुछ बताना चाहें आप, बजट में क्या विशेषताएँ आपको दिखी? पहली चीज़, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक बजट पेश किया है और अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बजट है। 5.5 लाख करोड़, पिछले साल से 37,000 करोड़ ज़्यादा इस बजट में एलोकेट किया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इनके सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जो बजट इन्होंने एलोकेट किया है उसको ये इम्प्लीमेंटेशन पे ग्राउंड लेवल पे कैसे उतारते हैं। हर बजट के साथ कुछ अच्छी लेवल की आपने बात की, और रोटी अगर एक यूँ कहा जाए कि लखनऊ से निकलती है, जैसे राजीव गांधी ने कहा था कभी किसी ज़माने में कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा तो बिचौलिए खा लेते हैं। अब स्थिति ये है कि लखनऊ से एक रोटी निकलती है और गरीब जनता की थाली तक नहीं पहुँचती है, तो इसका क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी के संबंध में अपनी बात कह रहा था कि बजट एलोकेशन एक काम होता है, 90% काम अभी बचा है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। जिस सेक्टर के लिए, जिस क्षेत्र के लिए बजट लगाया गया है वो कम से कम वहाँ तक पहुँचे और वो इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा था कि हर बजट के साथ कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ लोगों को बजट पसंद आता है, कुछ के लिए कुछ आप युवा भी रह जाती है। जी, आप युवा हैं जी और राजनीति से भी जुड़े हैं, युवाओं की बात करते हैं जी। युवा के लिए बजट किस तरह रहा, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अगर हम यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, युवा के नज़रिए से देखें, तो ये बजट बहुत खासा अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह ये है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान दिया, इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस पे, इन्होंने रोड्स पे, इन्होंने आवास योजना पे ध्यान दिया, लेकिन जो एक युवा की सबसे बड़ी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, और जो युवा पिछले कई सालों से डिमांड कर रहा है, खास करके मोदी जी और योगी जी से इनको उम्मीद थी, वो ये कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। अब जब आप भी एक एसीजे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, कोई कंपनी को आप इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रंट पे आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इनके बजट से। क्योंकि जितनी भी इनकी कंपनीज हैं ये सारी की सारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच में है। लखनऊ में थोड़ी सी उम्मीद लगी थी कि ऐसी साइड आए थे, वहाँ पे HCL कुछ बड़ी कंपनीज आ रही थी, इन्होंने अपने ऑफिस खोले थे, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सारे युवा को मिलती, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सीमित रह गई एक छोटे से क्षेत्र में। आप कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो कारोबार है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ एरिया तक सीमित है? बिल्कुल। और मैं पूर्वांचल से हूँ तो मैं पूर्वांचल की बात पहले रखूंगा। पूर्वांचल में आप भी जानते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है जी। जितने हमारे कॉर्पोरेट पूर्वांचल तो गंगवार के लिए फेमस है जी। उसके नहीं, पूर्वांचल की जो स्थिति है केवल सरकारी नहीं, हम आप काफ़ी हद तक उसके लिए जिम्मेदार है जी। क्योंकि हम आप वहाँ रहते हैं, हम ही आप वहाँ के निवासी हैं, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा होता है। लेकिन खैर, जो IT सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इन्होंने वेस्टर्न UP में लिमिटेड कर रखा है, और जो उद्योग हैं वो भी लखनऊ, कानपुर के आसपास चल रहे हैं मोस्टली, या फिर वेस्टर्न UP में चल रहे हैं। ईस्टर्न UP में, पूर्वांचल में, अवध क्षेत्र में हमारे पास कुछ खास नहीं है। तो इस बजट से मेरी उम्मीद ये थी कि थोड़ा सा ये, जैसे मोदी जी प्राइवेटाइजेशन को सेंट्रल में बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ इंडस्ट्रीज, कंपनीज आएंगी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, बहुत अच्छी बात है। I give you 100 out of 100 marks फॉर रोड। सड़कें आप बहुत अच्छी बना रहे हैं, सड़क के लिए आप बजट लगा रहे हैं, फिर अगेन सवाल यही आता है कि इम्प्लीमेंटेशन आप कैसा करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि उनका, मेरे हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इतना बजट क्यों लाया है, वो अलग बात करेंगे। तो पूर्वांचल के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूथ, युवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट उतना अप्रिशिएटिंग नहीं है, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिख रही है कहीं भी। जॉब्स आपको जॉब्स नहीं दिख रही है जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। अगर युवा रेटिंग करना चाहे तो युवाओं के लिए कितने नंबर देना चाहेंगे आप इस बजट को, युवाओं के मुद्दे पे? 0 0। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे अभी तो बात हुई शिक्षा की जी,
और बिजली पानी स्वास्थ्य की भी बात होनी चाहिए। कोरोना टीकाकरण, वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व ने देखी और देखा कि किस तरह लोग मर रहे थे कोरोना से। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, पूरे भारत ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी कोरोना के विरुद्ध, लेकिन यहाँ लोगों का भी एक बड़ा योगदान रहा। अब टीकाकरण की बारी आई और देश ने हमारे कोरोना की वैक्सीन ईजाद की, तो ये भी गर्व की बात है। 50 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्र को, कितना आप सही मानते हैं? 50 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए कम है, 50 करोड़ रुपए है शायद, माफ़ी चाहता हूँ, 50 करोड़ रुपए कोविड के लिए थोड़ा सा कम है अगर आप यूपी के लिहाज से बात करें जी। क्योंकि समझिए, समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारी प्राइवेट, जो हमारा मार्केट है, हम केवल अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। इंटरनेशनल एमएनसीज के ऑफिसेज हैं हमारे यहाँ, इंडिया से बहुत सारा मैन फोर्स लेवल में काम करता है, तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से। लेकिन हमारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाता है, जैसे मैंने वही बता रहा था कि अब उसमें से, ये मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा था, अब ग्लोबल इकोनॉमी में यूपी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मैं खुद यूपी से हूँ और मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो बहुत ज़रूरी था कि इस चीज़ को सीरियसली लेते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और थोड़ा सा कोविड ड्राइव में कोविड वैक्सीनेशन के लिए बजट ज़्यादा रहता तो अच्छा होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सीरियसनेस दिखाता है कि हम कितना सीरियस हैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, या उन कंपनीज के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए हमें थोड़ी उनकी सीरियसनेस कम लगी इस बजट को देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे किस तरीके से देखते हैं आप? किसान आंदोलन भी चल रहा है और अब जो महीने आने वाले हैं किसानों के लिए काफ़ी अहम होते हैं, धान की बुआई, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली देना जहाँ सबसे बड़ा कृषि का केंद्र है, और देखिए महंगी बिजली महंगाई एक बात है और बिजली कितनी देर अवेलेबल है वो दूसरी बात है, ठीक है। महंगाई के मुद्दे पर अभी नहीं बोलता हूँ, मैं भी अवेलेबिलिटी के मुद्दे बोलता हूँ कि 18 घंटा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दे रहे हैं जी, अगर 24 घंटे में से 18 घंटे आ रही है तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी है, सफिशियंट है खेती करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लेकिन इसलिए लग गया, वो जो 18 घंटे जो आप प्रॉमिस करते हैं वो आप डिलीवर नहीं करते हैं, उसमें ब्लैकआउट्स हैं, उसमें ब्राउनआउट्स हैं, उसमें आपका ट्रांसफार्मर फेलियर है, उसमें आपकी वायरिंग फेलियर है, उसमें आपका पीछे ग्रिड फेलियर हो जाता है। तो अगर आप इसको एक एवरेज स्टैटिस्टिक्स निकाले एक साल की, तो ये 18 घंटे नहीं है सर, ये मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे है, और किसान को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है जब वो बार बार अपने इक्विपमेंट्स लेके खेतों में दौड़ता है बिजली के आने जाने से, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम की बात। PWD विभाग को 12,441 करोड़ रुपए पुल और सड़क के लिए, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं और पूर्वांचल में इस समय सरकार का दावा है कि सबसे ज़्यादा सड़कें बिछाई जा रहे हैं, क्योंकि डिप्टी CM और PWD मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं से बिलोंग करते हैं, इसी मंडल से। तो क्या लगता है कि अभी तक सरकार के दावों में कितनी हकीकत दिखी और आगे सरकार जो दावा कर रही है वो कितना खरा साबित हो? सड़क निर्माण, पुल निर्माण में मैं आपको अपने आसपास के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, इसमें सरकार पिछली सरकार ने अलग सड़कें बनाई थी, ये अलग सड़कें बना रहे हैं, बट ये अच्छा काम कर रहे हैं सड़कों के लिहाज से। जो सड़कें हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से जर्जर अवस्था में थी या पतली थी, उसको सरकार ने चौड़ा किया है, ये श्रेय सरकार से कोई ले नहीं सकता। मेट्रो की बात की गई है, कानपुर के लिए मेट्रो, लखनऊ के लिए मेट्रो, और इसके पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेट्रो चला भी दी थी अपने कार्यकाल में, तो मेट्रो के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने जब लखनऊ में मेट्रो लाई थी तो ये लोगों के लिए नया था, और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नया ट्रांसपोर्ट मोड आपको मिला जो कि बहुत अच्छा है। अगर योगी सरकार उस चीज़ को आगे बढ़ाती है तो ये क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और आज के पोल्यूशन वाले ज़माने में लोग अगर प्रोत्साहित होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। एक चीज़ कही जाती है अयोध्या के संदर्भ में कि अयोध्या के केवल हिंदू नहीं, मुसलमान भी जो वहाँ पे हैं वो भी चाहते हैं कि अयोध्या का विकास हो। अयोध्या को जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए सड़कों के लिए, अयोध्या में एयरपोर्ट बनाएगी सरकार, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, किसी भी जगह को आप अपस्केल करें
आप उसको डेवलप करें, उसका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, विकास सबको चाहिए, अच्छी सहूलियतें सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए। तो अयोध्या को अगर ये स्पेशल पैकेज दे रहे हैं तो मेरा सवाल बनता है यहाँ पे ये स्पेशल ट्रीटमेंट बाकी दूसरे जिलों को क्यों नहीं, और स्पेशल ट्रीटमेंट आप कुछ ही जिलों को दे रहे हैं, आप बजट खींच के कुछ ही जिलों को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाइंसाफी लगती है। स्मार्ट सिटी के मुद्दे को तो मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 साल से स्मार्ट सिटी का जोर है, अभी तक कहीं हमको नहीं दिखी स्मार्ट सिटी बन रही हो। जी हम भी दिया लेके खोज रहे हैं कि हमें भी स्मार्ट सिटी दिखे लखनऊ में, हमें उम्मीद है। ओवरऑल आप बजट को किस तरीके से देखते हैं? ओवरऑल बजट में हम सरकार को 50-50 कहते हैं, 50% इन्होंने कुछ अच्छा प्रॉमिस किया है, अच्छा बजट एलोकेट किया है, और 50% हम निराश हैं। 50% हम निराश इसलिए हैं क्योंकि वही रोजगार के मुद्दे पे, इन्होंने रोजगार की बात तो करते हैं उत्पन्न करने की कि रोजगार हम दिलाएंगे युवाओं को, लेकिन रोजगार में पकौड़े तलना भी रोजगार नहीं, फिर ऐसा रोजगार हम आप क्यों नहीं करते हैं, आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं और हम एमएनसी में जॉब क्यों कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली बाहर निर्भर भी बनना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली आप वो बात करिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक एमटेक पास आउट से आप कहीं बस नहीं, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत तो सरकार ने कर दी है कि राम के भारत में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिक रहा है और सीता के नेपाल और रावण की लंका में सबसे सस्ता है। जैसे कि आपने बहुत सही पॉइंट बोला जी, आज डीजल का जो हमारा प्राइस है जी, शायद हमारे यहाँ यूपी में सरकार को इस पर भी ध्यान देना, ₹85 पर लीटर है। अब ये ध्यान दीजिए जो हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है जी, वो डीजल ड्रिवन व्हीकल से होता है जी, हमारी ट्रक्स हमारी ट्रेन वो डीजल से ही चल रही है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है कि अगर प्रदेश सरकार चाहे तो ₹5-₹10 सहूलियत दे सकती है, राजस्व घटा क्यों नहीं दे सकती है, ₹50-₹10 नहीं, आप इनको कम से कम ₹25-₹30 की सहूलियत बहुत इजीली दे सकते हैं क्योंकि बेस प्राइस तो ₹35 पर लीटर है। अब उसके ऊपर ₹50 तो आप टैक्सी ले रहे हैं, शराब पे भी लगा सकते हैं, अन्य चीजों पे जिसका आप लिकर पे, आप गुटके तंबाकू इन पे आप खूब टैक्स लगाइए, और आप जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे टैक्स लगाइए, जो जिनकी कमोडिटी मार्केट वैल्यू 20 लाख के ऊपर है, लग्जरी गाड़ियों पे जहाँ पे लग्जरी आइटम्स आते हैं उन पे आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन डीजल एक जनरल रिक्वायरमेंट है, किसान से लेके अमीर आदमी तक इसको डीजल को इस्तेमाल करता है, लेकिन अमीर आदमी तो बड़ा प्राइस पे कर पाएगा, किसान और गरीब तबके का आदमी वो नहीं कर पाएगा, तो वहाँ भी देखना चाहिए खेती महंगी ना हो, सब्जियाँ महंगी ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट है। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा है, आप ₹100 आलू खरीदते हैं कहीं से और ₹50 लगाएं, गड़बड़ है तो पूरा शरीर बीमार है। तो ये थे हमारे साथ तनवीर जी, जिन्होंने हमसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, बजट पर चर्चा की, आज की महंगाई पर चर्चा की, और सरकार के बजट को जहां एक ओर सही बताया तो वहीं युवाओं के नज़रिए से, रोजगार के नज़रिए से बजट को फेल भी बताया। अभिषेक शर्मा, प्रजातंत्र टीवी, प्रतापगढ़।